हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल ब्लॉग बाय शिल्पी डी सिंह। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। तो अमेजॉन हॉल है ये, और किचन की और घर की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हम लोगों की डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, और लेडीज़ को इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत रहती है अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और घर को ठीक से रखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है और वो कितनी यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये दो सेरेमिक पॉट्स लिए हैं, ये तो ये बोल हैं, ये सूप बोल बोल लीजिए आप, या जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो ये सूप बोल ही हैं, काफ़ी बड़े हैं और सेरेमिक के हैं ये। तो इन पर मैट लुक है इनका, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे और ये 500 रुपीज़ के मुझे पड़े हैं। और होमशेक ब्रांड है उसके हैं ये, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा, मतलब साउंड भी थोड़ा अलग सा ही करता है, सेरेमिक है इसलिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। इसके साथ में मैंने प्लेट्स भी ऑर्डर की थी, बट प्लेट आई थी तो वो ब्रेक हो गई थी, तो मैंने उनको वापस कर दिया था। तो काफ़ी संभाल के रखने की ज़रूरत होगी इनको, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट मुझे थोड़ा सा लग रहा है प्रोडक्ट, थोड़ा तरीके से रखने की ज़रूरत है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे, 2-1 स्टार्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इसके प्राइस, मैं बताना भूल गई थी। तो इसके प्राइस 500 रुपीज़ के मुझे ये दो बोल पड़े हुए हैं, और इसके साथ में मैंने जो दो प्लेट्स मंगाई थी उनका प्राइस भी कुछ 700 के करीब ही था, जो मुझे मैंने वापस कर दी। तो काफ़ी अच्छा सेट बन जाता अगर 1200 में मुझे ये पूरा पीस पड़ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्रेस्टीज का ये इंडक्शन। तो ये इंडक्शन आप देख सकते हैं, देखने में तो काफ़ी सादा सा है, लेकिन मैंने ये सेकंड टाइम ऑर्डर किया है, एक बार मैंने यूज़ कर लिया है, तो वो मैंने 5 ईयर्स तक उसको अच्छे से मतलब यूज़ किया था काफ़ी, और 5 ईयर्स के बाद अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्लास्टिक वगैरह थोड़ी पीछे से निकल गई थी तो थोड़ा ख़राब लगने लगा था, इसलिए मैंने उसे चेंज करके ये दूसरा ले लिया है और वही ऑर्डर। तो ये प्रेस्टीज का जो मैंने इंडक्शन लिया है उसका प्राइस यहाँ पर है 1699। तो इस प्राइस में आपको पड़ेगा या 100 रुपीज़ ज़्यादा कम जैसे होता रहता है प्राइस, तो वही अभी तो वही दिखा रहा है रिसेंट में, और चेंज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बोल, ये काफ़ी बड़े हैं बोल, मैंने सोचा नहीं था। तो ये बोल मुझे काफ़ी अच्छे लगे मिक्सिंग के लिए, आप यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मिक्सिंग के लिए यूज़ करें, कुछ रखने के लिए यूज़ करें, तो काफ़ी बड़े हैं और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। और ये 500 रुपीज़ में, 499 में मुझे 3 बोल मिले हैं ये। तो कभी भी कुछ चीज़ मिक्स करनी हो तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, या वेजिटेबल कट करके रखनी हो तो इसके लिए मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं, और प्लास्टिक के हैं और उनका ब्रांड ये वॉन्डर ब्रांड के हैं और कुबेर इंडस्ट्रीज का मेक है ये। और ये 2000 ml के काफ़ी बड़े हैं ये, तो काफ़ी सामान इसमें आ जाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा, तो नेक्स्ट थिंग है ये बड़ा सा बोल, ये ग्लास का बोल है और 2500 ml का है ये, काफ़ी बड़ा है और मिक्सिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मुझे जब केक वगैरह बनाना होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ, या जब भी कोई शूटिंग करती हूँ तो उसमें डाल के करती हूँ, तो काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी अच्छा है। और ये ट्रियो ब्रांड का है, और वैसे तो इतना मोटा नहीं है ये, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो मुझे तो ठीक ठीक लगा। और इसका प्राइस 250 रुपीज़ कुछ ऐसा ही मुझे मिला है। तो नेक्स्ट परचेज है मेरी ये प्लेट्स, तो ये सिग्नोरा वेयर की प्लेट्स हैं और माइक्रोवेव सेफ हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो शूटिंग वगैरह के लिए वाइट प्लेट्स अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने मंगाई थी। वैसे तो स्टील की प्लेट्स घर में यूज़ होती हैं, तो कभी अगर यूज़ करना है तो इस टाइप की प्लेट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, और 270 रुपीज़ इनका प्राइस है 3 प्लेट्स का,
और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने 15 डेज यूज़ किया है सब चीज़ों को, उसके बाद मैं आपको रिव्यूज़ दे रही हूँ। अचानक से मंगाने के बाद ही मैं आप लोगों को रिव्यूज़ नहीं दे रही हूँ, तो ये मैंने यूज़ कर ली है। और कुछ भी अगर आप कुछ इस पर नाइफ वगैरह भी थोड़ा सा करते हैं तो ऐसे कुछ मार्क वगैरह नहीं बनता है इस पर, और अच्छा है ये प्रोडक्ट, आप ले सकते हैं। ब्रा फ्री है इसकी प्लास्टिक, तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा टट, तो ये मैंने 2 बास्केट्स ली हैं। थोड़ा जो भी आप कटलरी रखना चाहें इसमें कटलरी रखें, बच्चों का कोई सामान रखना चाहें पेंसिल वगैरह वो भी रख सकते हैं, आप अपने मेकअप का कोई सामान रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो मुझे बड़ी यूज़फुल सी ये लगी और बड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। येल्लो कलर है तो किसी भी लाइट कलर के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो और ये 104 रुपीज़ की कुछ पड़ी हैं मुझे, तो और इनके प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है, नैशा ब्रांड है ये, तो इस ब्रांड के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। तो नेक्स्ट थिंग है टट, तो ये हॉट प्लेट स्टैंड्स हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे और ये स्टील के हैं इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन वगैरह की चीज़ें तो मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ और पता नहीं थोड़े दिन में वो ख़राब भी हो जाती हैं। मैंने एक दो यूज़ किए हैं तो मुझे उनका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस टाइप के ये ऑर्डर किए और ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और ये स्टील के हैं और काफ़ी टाइम तक चलेंगे, ड्यूरेबल हैं, और इनमें नीचे ये ब्लू कलर की ये पॉइंट ये दिया गया है, तो रखने में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फिसलती हो और काफ़ी वेट आप इस पर रख सकते हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो नेक्स्ट थिंग है हमारी, तो ये हॉट प्लेट स्टैंड जो है वो मुझे 500 रुपीज़ के पड़े हैं और इसमें 3 हैं, ये सबसे बड़ा साइज़ है और ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है, तो ठीक है 500 रुपीज़ में मुझे अच्छे लगे हैं, काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे। तो नेक्स्ट परचेज है मेरी यहाँ पे, तो नेक्स्ट थिंग ये मैंने बास्केट्स परचेज की थी, तो ये एक बास्केट है बड़ी और उसके अंदर 2 छोटी बास्केट हैं ये इस टाइप की, और इनके साथ में ऊपर इनका लिड भी आता है तो इनको आप कवर भी कर सकते हैं और काफ़ी सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो ये 3 का पैक है ऐसे और ये 250 के अराउंड मुझे पड़ी है, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी इसका। तो इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सी ये दिख रही थी तो इसलिए मैंने ये लिया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये बास्केट का प्राइस 250 नहीं है, इसका 415 रुपीज़ की है ये 3 बास्केट, सॉरी मैंने गलत बता दिया। और उसके बाद फिर मैंने एक ये रैक लिया था, किचन रैक, तो ये किचन रैक काफ़ी अच्छा है और आयरन का है ये बना हुआ, आप देख सकते हैं, और इसमें पिक्चर में ये काफ़ी बड़ा दिखाया था बट मुझे थोड़ा जब रिसीव हुआ तो मुझे दिखा कि ये थोड़ा छोटा है और इसको मैं फोल्ड भी कर सकती हूँ ऐसे ऐसे करके, इसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं, तो और जब भी आपको लगाना हो तो ऐसे करके आप एडजस्ट करके इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस पर आप अपने चार वगैरह छोटे और जो भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 मंगाए हैं, तो 500 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो मुझे 1000 रुपीज़ के 2 मैंने मंगाए हैं, और इनको साथ में जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी किचन को तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इनको कैसे लगाया है और इस पर किस चीज़ को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो नेक्स्ट थिंग है मेरी, तो नेक्स्ट थिंग मैंने ये पॉट होल्डर्स लिए हैं, तो ये पॉट होल्डर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और जब भी बच्चे किचन में जाते हैं और कुछ काम करते हैं तो वो टोंग को तो ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छे हैं, ये सिलिकॉन के बने हुए हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, 250 और 200 के करीब ये मुझे पड़े हैं। और कलर्स में काफ़ी कलर्स में ये आते हैं, तो मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लगा है इनका, और काफ़ी बड़े हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको आप हैंग भी कर सकते हैं ऐसे, इसमें हैंगिंग के लिए ये पार्ट दिया हुआ है। तो मैंने इसको देखा है, जब भी कोई चीज़ होल्ड करते हैं तो आप जल्दी से उठा के उसे रखते हैं तो ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं
तो ये लूज से होने लगते हैं और हाथ आपका गर्म होने लगता है। तो बहुत लंबे समय तक तो आप इसको पकड़ के नहीं रह सकते, लेकिन एक जगह से कोई दूसरी जगह चीज रखनी हो तो आप उठा के इसको इजीली रख सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छे लगे हैं। तो नेक्स्ट परचेज है मेरी स्टार्ट। तो नेक्स्ट थिंग है मेरी ये चकला बेलन का ये स्टैंड है, तो ये मैंने मंगाया है और ये काफी अच्छा है, काफी स्ट्रांग है और स्टील का बना हुआ है और कभी भी आप इस पे कितना भी हैवी सामान रख दें ये पलटता नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छा है और नीचे इसमें ये प्लास्टिक के ये लगे हुए हैं होल्डर्स, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा है। इसमें आप चकला भी रख सकते हैं, अपना चॉपिंग बोर्ड भी रख सकते हैं और टोंग को भी रख सकते हैं, काफी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं, जितना भी सामान चाहे आप 2 और 3 चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर अपना चकला रख सकते हैं, उसके पीछे आप कुछ रखना चाहे तवा रखना चाहे तवा रख सकते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा है और तवा और चकले को रखने की कोई जगह ठीक से मुझे समझ नहीं आ रही थी, और इसको आप वॉल पे ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये दिए गए हैं पॉइंट्स, तो आप इसको वॉल पर भी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और ये मुझे 550 रुपीज़ का पड़ा है अमेजोन से, तो ये काफ़ी अच्छी थिंग है। तो नेक्स्ट परचेज है मेरी ये टी कप्स। तो कप काफ़ी टाइम से नहीं लिए थे तो मैंने ये कप परचेज किए हैं, और इसी टाइप के कप्स हम लोग पहले भी यूज़ करते थे तो इसी टाइप के मैंने अभी लिए हैं, और क्लीनिंग में ये काफ़ी इजी रहते हैं क्योंकि इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है, इसलिए मैं इसी टाइप के कप्स पहले भी यूज़ करती थी, तो अभी भी मैंने वही सेम परचेज किए, लेकिन ब्रांड दूसरा है, तो फिमोरा ब्रांड के हैं ये, और ये 6 कप मैंने लिए हैं, तो ये 6 कप मुझे 650 के पड़े हैं और थोड़ा कॉस्टली तो है, बट क्या करें इस टाइम जा तो सकते नहीं है, तो जो भी मिल रहा है बस वही लेना है। और इसमें एक लाइन है यहाँ पर, तो ये लाइन थोड़ी सी अगर जॉइंट थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है, हाथ से ऐसे टच करने में फील होता है, अगर ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है अभी। और जब भी मैंने ये कप ऑर्डर किए थे तो उसमें से एक ब्रेक हो गया था, पर फिर भी मैंने रख लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, इसलिए क्या करें अभी। तो बस ये एक नेक्स्ट परचेज ये थी मेरी, और उसके नेक्स्ट तो नेक्स्ट परचेज जो बच्चों के टॉयज पूरे घर में फैले रहते हैं तो उनको रखने के लिए कोई बड़ा बॉक्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया था। तो मैंने एक ही बॉक्स अभी ऑर्डर किया है, मे बी अगर मुझे ये देखती हूँ यूज़ करके अगर अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा भी ऑर्डर करूँगी, और मैंने 15 दिन तक यूज़ किया है तो मुझे लगता है शायद ये दूसरा भी मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से ये फोल्ड भी हो जाता है, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ऐसे आराम से इजीली आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, और इसके अंदर इसको सेट करने के लिए नीचे ये इसमें आप ये डाल दीजिए तो आराम से ये सेट हो सकता है, और ऊपर से फिर इस पर ये कवर आता है, तो ये ऐसे इस तरीके से। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारे टॉयज बन जाते हैं, तो जो इधर उधर टॉयज फैले रहते हैं तो बच्चों के टॉयज नहीं फैलते हैं, और देखने में भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये, और बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग आते हैं, तो मैंने अपने बेटे के लिए ये चूज़ किया था तो इसलिए ये बॉयज़ वाला है। अगर आपको गर्ल्स वाला चाहिए तो उसके लिए भी अलग से डिज़ाइन है, पिंक कलर के काफ़ी अच्छे अच्छे से डिज़ाइन थे तो वो आप ले सकते हैं। और ये मुझे कुछ पड़ा है 500 के करीब, इसका प्राइस मुझे। तो नेक्स्ट परचेज है मेरी ये केक स्टैंड। तो ये टर्नेबल केक स्टैंड है, और मैं वाइट कलर का मैंने ऑर्डर किया था बट मुझे ये रिसीव हुआ है इस कलर का, तो ठीक है मतलब, लेकिन मूव काफ़ी अच्छे से हो रहा है और काफ़ी बड़ा है तो मुझे ये अच्छा लगा है, और ये मुझे पड़ा है कुछ 356 रुपीज़ का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है बट ओपन करके देखा था तो ये अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।